दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नंदिनी शुक्ला में मैं नंदिनी आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ सो देखिए फ्रेंड्स मेरे यहाँ ये गेंदा के फूल हुए हैं तो छोटे छोटे से ही हुए हैं चार पांच हुए हैं और ये व्हाइट वाले फूल हैं पता नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है इसको क्या बोलते हैं और ये देखिए बटरफ्लाई जैसे हैं इनमें कुछ फूल वगैरह नहीं होते हैं सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं तो इनको लगाया है और जो मैंने एक छोटा सा पेड़ लगाया था गेंदा का वो इतना बड़ा हो गया है लेकिन अभी इसमें पे फूल वगैरह नहीं आ रहे हैं और ये देखिए हमारे यहाँ छोटे छोटे से और भी बटरफ्लाई वाले पेड़ लगे हैं देखिए है। थोड़ा ये देखने में अच्छा लगते हैं वाइज और इसमें फूल वगैरह नहीं होते हैं तो दोस्तों ये देखिए ये हम लोग आर्या के लिए लेके आए थे चॉकलेट थोड़ी नई टाइप की मुझे दिखी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ये आ, रोज शेप में है चॉकलेट बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी और इधर ये आर्या खा रही है चॉकलेट वाला रोज वाह हाँ। चॉकलेट रोज हाँ। वेरी हाँ। नाइस चॉकलेट रोज

खिला दो मंकी को भी खिला दो बेचारा देखो कितना भूखा है मंकी उसको भी खिला दो मंकी को खिला दो जेम्स मंकी भूख लगी दीदी मंकी को भी खिला दो जेम्स जेम्स खाएगा मंकी जेम्स लेगा मंकी अच्छा है अच्छा और टुक को भी खिला दो ये टुक टुक बैठा है टुक टुक को भी खिला दो टुक टुक खाओ टुक टुक खा लो दीदी मैं खाना है 아니 कहना है खाना <tie> झूठ बोल रही हो कह रहा है दीदी मैं खाऊंगा मुझे आप खिलाती क्यों नहीं हो मैं खाऊंगा दीदी मुझे पसंद है हाँ। <tie> खा लिया टुक टुक ने अब बेबी खाएगी वेरी नाइस जेम्स वेरी नाइस आई लाइक इट सो like yes, so, दोस्तों मैं आज जा रही हूँ मसूर की दाल बनाने ये है खड़ी मसूर की दाल जो कि हमें चार पाँच घंटे पहले भिगो के रख देना है जिससे ना जल्दी पक जाती है अगर इसको भिगो के नहीं रखेंगे तो ये देर से पकेगी सो so, ये मैंने भिगो के रख ली थी खड़ी मसूर की दाल और इधर मैंने प्याज क्रश करके रख लिया है और टमाटर की प्यूरी आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं अदरक वग़ैरह लहसुन वगैरह ऐड कर सकते हैं तो सबसे पहले मसाले के लिए मैंने लिया हल्दी पाउडर जो कि मैंने वन एंड हाफ स्पून लिया है और फिर मैंने लिया है धनिया पाउडर जो कि मैंने मेरी घर की ही बनी धनिया है और इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है जो कि मैंने चार चम्मच छोटे छोटे लिए हैं फिर मैंने लिया है सब्जी मसाला पाउडर जो कि मैंने दो बर चम्मच लिए हैं और ये मैंने लिया है रेड चिली पाउडर वन स्पून और ये रहा मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट तो दोस्तों पहले हमें कुकर में तेल गरम कर लेना है उसके बाद ये अपना पेस्ट जो मैंने प्याज का किया था वो मैंने डाल दिया है और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है उसके बाद ये सारे मसाले मैं पानी में घोल के डालती हूँ आप लोग दोस्तों कैसे डालते हैं ज़रूर बताइएगा और ये मैंने थोड़े से आलू भी कट करके रख लिए थे आलू डालने से टेस्ट अच्छा हो जाता है दोस्तों तो दोस्तों सॉरी मेरी ये क्लिप पता नहीं कहाँ मिस हो गई मुझसे और ये देखिए आम... मेरी आ, मसूर की दाल बंद हो तो गई है तो उसके बाद जो प्याज हमारा आ, ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हमें मसाले डाल देने है, जब मसाले पक जाएंगे उसके बाद हमें टमाटर की प्यूरी डाल देना है और मसूर की दाल आलू को मिक्स करके उसमें पानी डाल देना है दोस्तों नमक डाल देना है और चार पांच सीटी लगाएंगे तो ये गाढ़ी सी बढ़िया मसूर की दाल हमें मिल जाएगी और ये रही मेरी थाली आज की तो दोस्तों सॉरी क्लिप कहीं मिस हो गई मुझसे बच्चे फ़ोन वगैरह लिए रहते हैं तो इधर उधर कर देते हैं तो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों बाय बाय थैंक यू सो मच